यूट्रस में कर देंगे, बस ना। इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, क्या बोलेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी। उसका सोल्यूशन है कि नहीं है, है ना। जैसे बताया था आपने मूवी वगैरह देखा होगा, वहां बताया कि नहीं, कि इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, वो गम के मारे रोए धोए पड़ी हुई है, अब क्या होगा, जिंदगी खत्म हो गई, है ना। तो कई चीजें वहां पे है जो थोड़ा सा चीजें गलत दिखाते हैं। खैर देखो, तो कहने मतलब यहाँ पे ये हो गया, तो एक तरीका ये हो गया। और क्या तरीका है बताओ, और क्या तरीका, क्या कर सकते हो उसको, ब्लॉकेज को। हाँ, ब्लॉकेज को ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा क्रिटिकल होता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ब्लॉकेज को भी उसको ओपन करके उसको जो है हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं। और क्या तरीका है बताओ, मान लो ब्लॉकेज भी ना हट, हाँ, उसके अंदर देखो क्या है, यूट्रस तो काम प्रॉपर काम कर रही है, ठीक है। तो आप क्या काम करोगे कि जो डोनर होता है उसका ओवा लेके वही टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करा दो, फर्टिलाइज कराने में डायरेक्ट यूट्रस में ट्रांसफर कर दो। ये तो आपने किया ही था टेस्ट ट्यूब में, है ना। तो ओवा दूसरे का भी ले सकते हो, उस फीमेल का भी ले सकते हो, दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ये हम लोग बात करें, चूंकि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है तो वहां पर तो करा नहीं सकते। अब वहां पर यह भी देखना पड़ेगा, वहां पर यह भी देखना पड़ेगा कि कौन सा फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है। दो होते हैं ना, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो हो सकता है एक प्रॉपर काम कर रही हो, दूसरे ना कर रही हो, ठीक है। तो ये हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, शांत रहो, बोलेंगे तो ये हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमने बताया था, जैसे कोई मान लो कोई मेल है, उसमें स्पर्म काउंट बहुत कम है, उसके लिए क्या तरीका यूज करोगे, ICSI का, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, है ना। उससे उसको हम ले कर सकते हैं, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का तरीका होता है कि नहीं। चलो, तो ये कुछ बात हम लोग कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद ये तो हमारा रहा कि इसमें आप कैसे कैसे चलो करोगे। और हमने इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन बताया था, इनफर्टिलिटी डेफिनेशन में क्या बताया कि अगर मान लो 2 साल तक सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी अगर बच्चे नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, इनफर्टाइल बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया यहाँ पे। इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इन विवो फर्टिलाइजेशन में कैसे फीमेल के लिए होता है, इन विवो, हाँ, ऐसी फीमेल जो ओवा प्रोड्यूस ना कर पाए। देखो, ओवा को कहाँ लेना पड़ेगा, बाहर से, किसी डोनर से, ठीक है। तो ओवा या स्पर्म दोनों बाहर से मिल सकते हैं। मैंने बताया था कि स्पर्म के लिए स्पर्म बैंक होता है, लेकिन ओवा के लिए ओवा बैंक नहीं होता, जबकि स्पर्म बैंक में ही ओवा और स्पर्म दोनों रखे जाते हैं। तो अगर आप जाओगे तो कुछ लोग ओवा डोनर भी होते हैं, स्पर्म डोनर भी होते हैं, ठीक है। तो इन विवो में क्या बताया था कि ऐसी कोई फीमेल जो ओवा प्रोड्यूस ना कर पाए, उसके लिए क्या करेंगे, ओवा बाहर से लेंगे और उसको सेम कंडीशन में फर्टिलाइजर जो फेलोपियन ट्यूब में वहां पे इंटर कर दिया जाएगा, इसको बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजर। और इन विवो फर्टिलाइजर किस एग्जाम्पल था, इन सीटू की, एक सीटू, हाँ, इन सीटू, जहां पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब में, वहीं पे हमने फर्टिलाइजेशन करा दिया, इसको बोलेंगे इन सीटू कंजर्वेशन। और हमने बताया था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो था, एक से टू, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब में, करा कहाँ रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में, तो क्या हो जाएगा ये, एक से टू, है ना, बाहर कराएंगे तो एक से टू। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है जो आपके क्वेश्चन है, ये वहां का एनवायरमेंटल, सॉरी, एनवायरमेंट इशू का, है ना, जो लास्ट चैप्टर है इकोलॉजी का, वहां का टॉपिक है ये। तो इसको क्वेश्चन को वहां से भी उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सुधर में इस बात हमने बताया था यहाँ पे कि जो इसमें हमने बताया था कुछ कंट्रासेप्टिव्स के बारे में बताया था यहाँ पे, है ना, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया था कि जो हमारा जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कई सारे तरीके बताए थे, नेचुरल मेथड 3 तरीके बताए, है ना। और इसमें मैंने बताया नेचुरल तरीके बताया, एक बैरियर मेथड बताया हमने, है ना। इसके अलावा और कौन से बताया, आयोडीज बताया, आयोडीज में कितने बताए थे, 3 बताए थे, कौन कौन से बताओ, आयोडीज में, हाँ, मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड और आर्मोर रिलीजिंग, है ना। मेडिकेटेड में क्या बताया था, जैसे एग्जाम्पल में लिपेज लूप, है ना, और नॉन मेडिकेटेड में मल्टी लोड 375, है ना, क्या उल्टा कर दिए, देखो। और कापर टी बताया था यहाँ पे, कापर 7 क्या करते हैं, कापर आयन रिलीज करते हैं, उससे क्या होता है, स्पर्म की मोर्टेलिटी भी कम करते हैं, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी कम करते हैं। हार्मोन रिलीजिंग बताया था, प्रोजेस्टेरोन और LNG20, ये क्या काम करते हैं, सर्विस को हॉस्पिटल आएंगे एंड मेक्स यूट्रस अनसुटेबल, ठीक है, अनसुटेबल कर देंगे जिससे कि इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये बताया था। बेसिक ट्यूमे में हम लोग क्या काटते हैं, वाज डिफरेंस, और प्यूबिक ट्यूमे में फेलोपियन ट्यूब को काट देते हैं,
टाइड एंड कट है ना, तो काट देंगे, ये होता है। ये किसका, इसको क्या स्टेलाइजेशन भी बोलते हैं क्या? ठीक है, इसको स्टेलाइजेशन बोलते हैं। और हमने बताया प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, और एसपीएल और एससीजी और कॉर्टिसोल और थायरोक्सिन, थायरोक्सिन निकलती थायरोक्सिन, और ओवरी से एक हार्मोन निकलती है बोलते हैं रिलैक्सिन। क्या बोलते हैं? रिलैक्सिन। पास में जो पिल्स होते हैं उसमें क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन की प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों दोनों हो सकता है ना, अलग अलग तरीके हो सकता है। तहली जो है एस्ट्रोडल के नॉन एस्ट्रोडल डेली होता है कि वंस वीक होता है? वंस वीक होता है, ठीक है, डेली इसको नहीं लिया जाता है, खासकर बनाया गया सीडीआरआई के द्वारा, है ना। एमनियोसिंथेसिस की बात करते हैं यहाँ पे, एमनियोसिंथेसिस किस लिए होता है? जो लीगल होता है, कोई जेनेटिक बीमारी होती है उसको पता करने के लिए होता है ना, और इलीगल में क्या होता है? हाँ, तो उसमें फीमेल पिटीसाइड जो होता है उसके केस जो आता है वो इलीगल केस में आता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हो गया है। इसके पहले हमने बताया था कौन सा टॉपिक था आपका? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पहला मोमेंट कब बताया था बताओ? और हेयर ऑन हेड 6 महीने में क्या होता है? आइलेसिस, ठीक है, जो आईलिड होता है बन जाते हैं, आइलेसिस सेपरेट हो जाता है, आईलिड सेपरेट हो जाता है, आइलेसिस बन जाते हैं नहीं। और सेकेंड मंथ की प्रेगनेंसी में क्या बताया था? लिम्स और डिजिट का फॉर्मेशन हो जाता है ना। पहला जो मिल्क मिलता है उसमें कौन सा एंटीबॉडी होगा? आईजीए होता है, कौन सा? आईजीए, ठीक है। और फिर हमने बताया था कि जैसे कि मान लो 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, कितने? 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, तो कितने स्पर्मेटोजोआ बनेंगे? 50 है तो कितने बनेंगे? 200, भाई 4 गुना हो गए यहाँ पे। और कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे? ठीक है, 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा और स्पर्मेटोजोआ कितना बनेगा? ठीक है, तो यहाँ हम लोग बात करें यहाँ पे कि इसके बाद हमने बताया था कि एक टर्म बताया था स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बताया था इसमें, क्या होता है ये? स्पर्मिएशन नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस। हाँ, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मिएशन क्या होता है? हाँ, बाहर निकलना, क्या कहलाता है ये? स्पर्मिएशन। क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन, ठीक है। एक ओगोनिया से कितने ओवा बनते हैं? एक ओगोनिया से कितने ओवा बनते हैं? एक ही बनेगा, कितने बनेंगे? एक ही बनेगा। टर्सरी फॉलिकल को कैसे पहचानोगे? इंट्रम को, है ना, इंट्रम पहचानेंगे क्योंकि उसमें फ्लूइड भरा होता है, उससे पहचान लेंगे। फ्लूइड फ्लूइड कैविटी नोन एज इंट्रम, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद मैंने बताया था कि जो स्पर्म होता है उसमें माइटोकांड्रिया किस जोन, बताया था मिडिल पेस में माइटोकांड्रिया होते, कितने पार्ट बताए थे स्पर्म के? कौन कौन सा? हेड, नेक और टेल और मिडिल पेस, है ना, कौन सा होता है? मिडिल पेस। और एक बार जो पेस में कितने स्पर्म निकलते हैं? 200 to 300 million स्पर्म, है ना। और इसमें कंडीशन क्या क्या बताया? क्वालिटी पर्पज से 60% हाँ, 40% विग्रस मोर्टेलिटी होना चाहिए तभी वो फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो आगे हम लोग बात करें यहाँ पे प्लांट की बात कर लेते हैं ना। प्लांट उन्होंने बताया था यहाँ पे कि जो ओवल का फॉर्मेशन कौन करता था? ओवल, सॉरी, ओवल जो है वो जो है क्या बनाता था? सीड बनाता है, ठीक है। ओवल का टेक्निकल नेम क्या बताया था? माइक्रोस्पंजम, है ना, ओवल क्या हो जाएगा? माइक्रोस्पंजम। और इसका शेप कैसा होता है? बताओ, क्यों नहीं होता? मोस्ट कॉमन टाइप ओवल होता है एनाट्रोपस टाइप। कैसा? नहीं बताया क्या? सीड नहीं, ओवल्स की बात कर, कैसा होगा? एनाट्रोपस टाइप हो, कैसा होगा? एनाट्रोपस टाइप होता है, ठीक है। इसके बाद हमने बताया था कि जो ब्रांच स्टिग्मा कहाँ पाया जाता है? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, है ना। क्रोकोडिलस में कितना लाइफ स्पैन होता है? कार्वस में, सिटिकुला में
140 है, बटरफ्लाई में 1 से 2 वीक होता है। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ठीक है। अब ये बताओ कि जो जिंजर होता है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है या एसेक्सुअल पार्ट, और ब्रायफिलम ये बताओ जिंजर में क्या नोड होता है, नोड होता है कि नहीं होता है? और इंटरनोड, नोड होगा तो इंटरनोड तो होगा ही होगा। एडवेंटिशियस रूट कहां बताया था, एडवेंट कहां बताया था, कैच का दूसरा नाम पोलियर लिबर्ट है क्या, पोलियर ही बोलते हैं। अगेओ जो है किसी से क्या पाया था, बल्बिल होता है। ऑफसेट कहां होगा, वाटर हाइसिंथ का दूसरा नाम क्या था, तीसरा नाम क्या था, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। स्टोबलेंथस कुंठियाना नाम तो सुना ही होगा, कितने दिन में फ्लावरिंग होती है, पिछले बार कब हुआ था, उससे पहले कब हुआ था, किस महीने में, कब होगा नहीं पूछ रहे हैं, किस महीने में होता है ये, अक्टूबर के सितंबर, सितंबर अक्टूबर 2006 से में हुआ था, फिर 18 में, फिर 30 में होगा। कौन कौन से एरिया में मिलेगा, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, ठीक है। ये बताओ कि जो मलेरिया है ये एसटीडी में आता है कि नहीं आता, फाइलेरिया, निमोनिया, विडाल, गोनोरिया, एड्स, क्लेमाइडियासिस, एचआईवी, क्या बात, प्रोडक्ट के बैठे हुए हैं। कौन कौन से है बीमारी जिनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, और जेनेटल एवर्ड्स है ना, क्लियर है, इनका आप ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, अगर एक बार हो गया तो हो गया, ठीक है। हर्पीज, जेनिटल हर्पीज है ना, ये बोल रहे जेनिटल हर्पीज, ठीक है। अच्छा ये बताओ इसमें, अगर मान लो यहाँ पे किसी को एड्स हो गया है, ठीक है, तो ये तो खैर अब जो पढ़ाएंगे तो बताएंगे यहाँ पे, लेकिन इसका जो एड्स से बचने, ये कितने भी जितने भी स्टडी है, ठीक है, इसमें कितने हैं जिसमें हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, सबसे कर सकते हैं है ना, प्रिवेंशन तो सबसे पॉसिबल, जितने बीमारियां सबसे कर सकते हैं, उससे आप बच सकते हो, है कि नहीं, तो प्रिवेंशन जो है बेटर देन क्योर, ठीक है। डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, ये सेंटेंस किससे रिलेटेड है, पढ़ा है किससे है, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, ये एचआईवी से रिलेटेड, किससे, एचआईवी, अच्छा उसमें पढ़ाएंगे ह्यूमन हेल्थ डिजीज में, एड्स के लिए यूज किया जाता है, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता के कारण मत मरो, मरो लेकिन अज्ञानता के कारण, कि हमें पता नहीं था, गलती हो गई, भूल हो गई, इसको बोलते हैं डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। मैं कुछ, चलो ये हम लोग बात करें, पंचानंद महेश्वरी कहाँ रहने वाले थे, जयपुर राजस्थान, केम्प्टन कौन बोल रहा है, हैं उनको भेज दो, बस्ती भेज दो, हैं केम्प्टन जर्मनी कौन थे, अर्नेस्ट मायर, कब जन्म हुआ 1900, कब डेथ हुई 2000, हाँ 2004 में मर गया, ऐसे बोलोगे, ऐसे मत बोलो, और थोड़ा इज्जत करो उनकी, अर्नेस्ट मायर है ना, 2004 में मर गए, कितने अवार्ड मिले इनको, कौन कौन से, मेपोर प्राइस, इसको मिला क्या बोलते हैं, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, परसिस्टेंट नुस्खा से क्या बोलते हैं, कहां मिलेगा, बीट और ब्लैक पीपर, ब्लैक पीपर बोले तो काली मिर्च है ना, काली मिर्च और चुकंदर, नहीं है, चलो आगे ये बताओ, सील्ड सेप स्कूटलम कहाँ मिलता है, मोनोकॉट में होता है, कहाँ होता है, मोनोकॉट में होता है, दो कॉटिलेडन होंगे तो क्या बोलेंगे, डाइकॉट, एक होगा तो मोनोकॉट, मोनोकॉट में जो पॉलिनेशन किससे होता है, मोस्टली विंड से, विंड पॉलिनेशन मोर कॉमन इन द मोनोकॉट फैमिली, स्पेशली इन ग्रासेस कॉमनली नोन एज ग्रेमिनी, नीचे से ऊपर जाने पे करेक्टर क्या होंगे, ऊपर नीचे जाने पे घटेगा, सबसे बेसिक यूनिट कौन सा है क्लासिफिकेशन का, स्पीसीज होता है, किंगडम सबसे टॉप होता है, कौन होता है, किंगडम है ना, किंगडम, कौन सा ऐसा टैक्सॉन है, ठीक है, जिसमें जो वेसेटी और प्लोरल दोनों बेस्ड है, साफ होंगे, फैमिली होता है, और कौन सा होता है जो प्लोरल करेक्टर बेस्ड है, ऑर्डर, ठीक है, पॉलीमोनियल्स क्या है, पॉलीमोनियल्स क्या है, क्लास है, ऑर्डर है भाई,
पॉलीमोनियस ऑर्डर इसमें किसको किसको इंक्लूड किया गया, कौन कौन सी फैमिली है? हाँ, सोएनेसी और कार्बोवेलेसी। फाइव इंडम क्लासिफिकेशन कितने क्राइटेरिया थे इसने दिया? नहीं, कितने क्राइटेरिया थे? पांच। कौन कौन से? फूड ऑफ न्यूट्रिशन, हाँ, और ठीक है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन है ना, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या थैलस ऑर्गेनाइजेशन है ना। चलो बताओ, ठीक हो गया, हो गया। ऐसे बैक्टीरिया जो मार्सी एरिया पाए जाए, क्या बोलेंगे इसको? मिथुनोजन। जो साल्टी एरिया पाए जाए, हेलोफिल है ना, और जो हॉट स्प्रिंग पाए जाए, थर्मोसिडोफाइल। क्या बोलेंगे इसको? थर्मोसिडोफाइल्स। ये बताओ माइकोप्लाज्मा में कितने सेल वॉल होती है? एब्सेंट होती है ना, इसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम है ना। गलस गलस क्या है ये? गलस गलस इंडियन फॉल्स होता है, इसको बोलते हैं। किस टाइप का ये टैक्सोनॉमी है? गलस गलस, नाजा नाजा, रेटस रेटस, हाँ, कार्टोनिम्स होता है। कैसा होता है? कार्टोनिम्स होता है, ये होता है हमारा कार्टोनिम्स। कीज आर बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, अरे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या बोलते हैं? ईच स्टेटमेंट नोन एज लीड, ऑल द प्लांट स्पीसीज स्टडी की जाती है इन द फ्लोरा, किसमें? फ्लोरा में, जो किस लिए होता है बताओ? कोहैबिट और उनके रहने का हैबिट, हैबिट एंड हैबिटेट, उसके बारे में स्टडी है। एंड इंसेक्ट जो होता है उसको कैसे रखते हैं? कलेक्टिंग किलिंग एंड फीडिंग में, म्यूजियम में क्या रखते हैं? प्लांट के एनिमल, डेड प्लांट डेड एनिमल्स है ना। एनबीआरए कहाँ बताया? ठीक है, और सीडीआरए कहाँ है? एनबीआरआई लखनऊ में, सीडीआरआई ठीक है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा होता है, और रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है? इंग्लैंड में। टोटल बायोडायवर्सिटी कितनी है? 1.7 से 1.8 मिलियन है ना, मिलियन ठीक है। अब ये बताओ एम्ब्रियोलॉजिकल स्पीसीज पे काम किसने किया था? पंचानन माहेश्वरी। एनसीईआरटी की सबसे पहली बुक कब आई, किसने लॉन्च किया? पंचानन माहेश्वरी ने, ठीक है। और बताया था क्रोमोसोम नंबर बताओ एमार्फोफैलस में कितना होता है, ऑफ योर ग्लास में, सॉरी, बटरफ्लाई में, पोटैटो में, पोटैटो में 48, डॉग में, एप्पल में 34, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाए, हाँ, पार्थनो कार्पी, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाए तो एपोमेक्सिस, बिना फर्टिलाइजेशन का ऑर्गेनम बन जाए, कहाँ कहाँ मिलेगा ये? लीजर्ड होता है, ठीक है। हमने बताया था जो प्रोटोनिमा कहाँ पाया था, प्रोटोनिमा गैमेटोफाइट से कहाँ मिलेगा? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट में, ठीक है। एडियंटम बिलोंग टू विच क्लास? हाँ, टेरिस डायफेरिस एंड एडियंटम इंक्लूडिंग टेरोक्सीडा, इक्विसिटम है, सैनोक्सीडा है ना, स्पिनोक्सीडा, सेलोक्सीडा, हाँ, सैनोक्सीडा, स्पिनोक्सीडा, वही नहीं, स्पिनोक्सीडा, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ ठीक है। ये बताओ कि जो दो टाइप की कॉलोनी कहाँ मिलेगी? बालवॉक्स में। एयर ब्लेडर कहाँ मिलेगा, कहाँ पे? एल्जिन कहाँ मिलेगा? ब्राउन एल्गिन, कैरागिन, अगार अगार, ओके ओके। क्लोरेला में प्रोटीन ज्यादा होता है क्या? क्लोरेला प्रोटीन काफी ज्यादा होता है। एंड द प्लूटिडियन स्टार्च सिमिलर टू द ग्लाइकोजन एंड एमालोपेक्टिन विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर। पास में कितने फ्लैजेला होते हैं रेड एल्गी में? रेड एल्गी में ऑप्शन होता है पक्का? और ब्राउन एल्गी में कितने फ्लैजेला होते हैं? और रेड और ग्रीन एल्गी में कौन कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफाइसी में ये क्वेश्चन आया था क्या? आया था, है ना, संडे वाले पेपर में आया था, है ना। ये सिंपल बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और रोडोफाइसी में ए और ए और ए और डी है ना। और फियोफाइसी में इक्टोकार्पस कौन सी क्लास बिलोंग करता है? फियोफाइसी है ना, डिक्टियोटा, क्यूकस, क्लोरोफाइसी बोल रहे हैं,
थियोफाइसी भाई, थियोफाइसी है ना, इसमें थियोफाइसी ठीक है। और वालबाक्स कारा मोनोसियस की डायसियस ओगोनियम इंथ्रीडियम नीचे तो मोनोसियस हो गया ठीक है। स्पेकनम मोनोसियस की डायसियस ये इस बार आएगा, नोट कर लो आएगा ठीक है, स्पेकनम ये आएगा ठीक है। अब ये बताओ कि जो ठीक है क्योंकि दिख नहीं रहा है आसपास, मुझे पूरा नजर इसी पे है, यही आएगा। ये बताओ मार्किंसिया मोनोसियस की डायसियस डायसियस होता है, कैसे पहचानोगे? आर्चिगोनियो फोर और इंथ्रीडियो फोर से इसको पहचानेंगे। बस में कॉकरोच मोनोसियस की डायसियस यूनिसेक्शन टेपवर मोनोसियस की डायसियस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल कंपेयर में काफी ज्यादा स्लो होता है। और बताओ, और ठीक है कॉम्प्लेक्स होगा COS एलोबरेट होगा और एलोबरेट कॉम्प्लेक्स और स्लो होता है, बस हो गया। और क्या बताओगे? तीन हो गए, चार कहाँ हो जाएगा? ठीक है तीन हो गए, तीन क्राइटेरिया, तो चार कैसे बता दोगे? क्लियर ठीक है, हो गया ना। तो ये हो गया आपका लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी करवा देते हैं कुछ क्वेश्चन ठीक है, करवा देंगे रोज करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। हाँ इनको देखो अरे कोई बात नहीं रोज है, कल करवा देंगे, आप थोड़ा सा लेट हो गए ना, अरे कल नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, चलो स्टार्ट करो, सुनो मेरी बात। हाँ हाँ तुम्हें सब याद है ना, इसलिए मेरे को पूछ लो मेरे से, कोई बात नहीं है नेक्स्ट में पूछ लेंगे। अब ये बताओ, सुनो आज तो लेट हो गए ना, पढ़ा देते हैं। ये बताओ कि कुछ क्वेश्चन रह गए करवाने वाले पीछे, उसमें देखो सेकंड वाले पार्ट में, बुक तो लाए नहीं हो गए जो, ठीक है देख लो, ये अच्छा बात है, सब लोग बुक लेके आए हो, क्वेश्चन करवाने उसमें देख लो। मुश्किल से पांच मिनट लगेगा ठीक है, देखो इसमें समरी में देख लेते हैं, समरी में जो पॉइंट हो तो बता चुके हैं आपको है ना। एक्सरसाइज में देखो जरा लिखा हुआ फिल द ब्लैंक्स मिला, ट्वेल्थ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अरे एक्सरसाइज नहीं है फिल द ब्लैंक्स नहीं है क्या, ऐसे कैसे हो सकता है, ब्लैंक्स गैप कर दिए, अच्छा है पिंदी ब्लैंक, अच्छा सुनो मेरी बात छोड़ो, ये ट्रू फॉल्स लिखा है, इसका नंबर बताओ क्या लिखा हुआ, कौन सा नंबर है, 11th है, अच्छे लोग हटा दिए लग रहा है ठीक है। ट्रू ऑफ फॉल्स देख लो, यही एंडोजन ना, एंडोजन आर प्रोड्यूस है ना, अच्छा एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन पढ़ो क्या है, अच्छा बहुत क्वेश्चन है अच्छा क्या दिया है, ट्रू फॉल्स दिया है क्या, ट्रू फॉल्स पहला पढ़ो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला खोल रखा है ठीक है, कुछ चेंज कर दिया क्या लग रहा है ठीक है। हाँ बताओ आगे बताओ, कोशिश कर लो, क्या है क्या लिखा हुआ है पहले पढ़ो तो बताओ, एबॉर्शन क्या स्पॉन्टेनिटी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, स्पॉन्टेनिटी मतलब अचानक हो जाए, पास में बिल्कुल हो सकता है, हार्मोन लेवल प्रोजेस्टेरॉन लेवल नीचे जाएगा एबॉर्शन हो जाएगा, पास में कुछ किसी भी वजह से, जिसे मिसकैरेज सुना है आपने,
कैसे होता है? मिसकैरेज भी एक टाइप क्या है? बॉटरी तो है, आपने सुना होगा कि मिसकैरेज हो गया, वो क्या यही तो है? किसी वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाए, हो जाएगा सुना है कुछ? हाँ बोलो, बोलना चाह रहे हो? बोलो, नहीं बोलना है, समझ गए? ये कुछ और पूछ रहा है। हो गया पहला क्वेश्चन, हो गया इसका। अरे कह रहे हैं एबॉर्शन अचानक भी हो सकता है, ये कह रहे हैं मतलब बिल्कुल हो सकता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? उसको कंसेप्शन को रोक के रखता है, किसी वजह से प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाए। आपने मिसकैरेज तो सुना होगा, मिसकैरेज ऐसे तो होता है, हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से। इसी वजह से जब भी मैंने बताया था यहाँ, कम से कम 4 विजिट तो जरूरी है ना, जाना चाहिए हॉस्पिटल में, पता करना चाहिए कि बच्चे की कंडीशन क्या है, और CBC रिपोर्ट होता है, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह हार्मोन लेवल चेक कर लिया जाता है ताकि उसकी कमी ना होने पाए। कमी हो जाएगी तो फिर मिसकैरेज हो जाएगा। पता लगा 8-6 महीने से स्टार्ट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि भाई बच्चा कोई हो रहा है, खुशखबरी है, पता लगा मिसकैरेज हो गए, है ना? तो इसलिए उसको थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी होता है। इतना आसान नहीं बस हो गया प्रेगनेंसी होगी खुशी मना रहे हैं, पूरा देखना पड़ता है ऑब्जर्वेशन। अगला क्वेश्चन पढ़ो। इसमें क्या सेंटेंस गड़बड़ किया है? ऑलवेज ऑलवेज इन फीमेल, तो एबनॉर्मलिटी तो किसी में हो सकता है, मेल में भी हो सकता है और फीमेल में हो सकता है ना, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। आगे पढ़ो। हाँ क्या चीज, क्या क्वेश्चन क्या है? हाँ तो गलत है कि सही है? अरे यार क्वेश्चन समझ में आया क्या है? कह रहे हैं कि लैक्टेशन कराते हैं तो इससे क्या होता है? कंसेप्शन नहीं हो सकता है, सही गलत है? सही है भाई, जब जब तक लैक्टेशन और एमनोरिया क्या है, यही तो है, लैक्टेशन में यही तो होता है, तो सही लिखा हुआ है, गलत तो ना? बात नहीं करो इधर। हाँ आगे बताओ। हाँ बिल्कुल सही बात है ना? ठीक है, हाँ आगे पढ़ो। हाँ हाँ आगे, हाँ बताओ, आप बताओ। नहीं होता है, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं, बस मैं कुछ तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा सही हो जाएगा? हाँ सही है, सम लिखा है, नो आल नहीं लिखा है, सम लिखा है, तो कुछ करेक्ट करना है क्या? हाँ तो सम कर लो, सम कर लो। बताओ ओरल पील होता है कि आयोडीज होते हैं? अच्छा इसमें क्या चेंज करोगे? अर्बन अर्बन कर, अर्बन है, अर्बन कर, अर्बन एरिया हो गया। और बताओ, जोर से पढ़ो। ईटी में ना, एम्ब्रियो ट्रांसफर में, अरे ईटी में क्या करते हैं? एम्ब्रियो ट्रांसफर कहाँ किया जाता है? यूट्रस में, और कहाँ करोगे? यूट्रस में तो करोगे, एम्ब्रियो होगा तो यूट्रस में जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में नहीं। 8 ब्लास्टोमेर से बाद की कहानी, उससे बात, उसके बाद के बाद। दोनों कर सकते हैं, हाँ अप टू 8 ब्लास्टोमेर, उसमें सही कर लो, उसमें क्या है, सही कर लो। ठीक है अप टू 8 ब्लास्ट में दिया आपसे, मैं देख लो उसको कैसे दिया हुआ है। 8 ब्लास्टोमियर तक कहां पे? फेलोपियन ट्यूब में, उसके बाद कहां पे? यूट्रस में, हो गया। चलो ठीक है, अब देखो इधर आ जाओ, अगले चैप्टर हमारे पास है एनिमल किंगडम। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं इसमें, ठीक है?
आरिफ संतोष जी बुलाओ। बोलो बोलो बोलो। हाँ तीन चैप्टर हैं, तीन चैप्टर हैं, एक साथ तो कराएंगे। फिर से वहीं पहुंच गया, इनिशियल में शुरुआत में पहुंच गया। हाँ क्या कह रहे हो, एक साथ करवा दें। ठीक है, एक साथ करा देंगे, हमें क्या करना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक साथ करा देंगे। हाँ ठीक है, ठीक कैसे वहाँ पहुँच गया हमें। देखिए एक मिनट रुके, आप रुके रुकिए अभी। ठीक देखो, एनिमल किंगडम में और अच्छे खासे इसमें क्वेश्चन आते हैं, जो भी आपसे पूछ रहे थे ना सब मिलेगा आपको। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, when you look around you will observe different animal, ये देखो, with different structure and form, as over million species of animals have been described, हमने क्या बताया था, 1.7 से 1.8 million species अभी तक डिस्कवर किए गए हैं, बस में उसको ऑब्जर्व किए गए हैं, जिनमें मैंने बताया कि ज्यादातर 5 से 6 अगर लाख बोलेंगे तो कौन मिलेंगे, प्लांट, बाकी क्या मिलेंगे, एनिमल, और एनिमल में सबसे ज्यादा कौन मिलेंगे, इंसेक्ट, है ना। उसी की बात कर, देखो क्लासिफिकेशन बिकेम्स ऑल द मोर इंपॉर्टेंट, द क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प इन द असाइनिंग सिस्टमैटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज। अब करें बहुत से और भी जो नए नए स्पीशीज होंगे उनको जब डिस्क्राइब किया जाएगा तो उनके बारे में भी नामकरण करेंगे। देखो यहाँ पे अगला हमारे पास बताया गया, देखो कि जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है किस बेस पर, हम इसको कैटेगराइज करते हैं कि ये इस फाइलम में या उस फाइलम में। देखो यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, देयर आर फंडामेंटल फीचर कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल। देखो यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ सेल के बेस पे इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, मतलब सेल अगर सिंगल सेल है कि बहुत सारे सेल है, सिंगल सेल है तो कहाँ रखेंगे, प्रोटिस्टा में, कहाँ रखेंगे, प्रोटिस्टा में। यहाँ देखो बॉडी सिमेट्री की बात करते हैं, बॉडी सिमेट्री में आप क्या क्या आएगा, देखो यहाँ पे जैसे रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री और ए सिमेट्री, है ना, इसके बेस पे आएगा। दूसरी कह रहे हैं यहाँ पे नेचर ऑफ सिलोम, नेचर ऑफ सिलोम कैसा है ना, सिलोम के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे एग्जाम होंगे जो ए सिलोमेट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सिलोमेट पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सीडो सिलोमेट होता है। इससे आगे बात करेंगे, जो प्लेटियल मेंथीज होगा उसमें ए सिलोमेट होगा, जो एस्केल मेंथीज होगा उसमें सीडो सिलोमेट होगा, उसके सारे आगे वाले कैसे होंगे, सिलोमेट होंगे। ठीक, आगे देखो पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव का मतलब ये होता है कि वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है या इनकम्प्लीट है, बस में कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। अगर सिंगल ओपनिंग होगा तो इनकम्प्लीट, दो ओपनिंग होंगे तो कंप्लीट। ठीक, अब करें सर्कुलेटरी या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में दो टाइप के आएंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन आएगा सारे आर्थ्रोपोड में, मोलस्का में आएगा, है ना, और हेमिकार्डेटा में आता है, और जो क्लोज आता है, क्लोज बाकी हम लोग में क्या होता है, क्लोज होता है, क्लोज का मतलब जो ब्लड का जो ट्रांसफर होता है आर्टरी या वेन के थ्रू होता है, बस में जो ओपन होता है उसमें सारे आर्गन बिल्कुल ब्लड में ऐसे रखे जैसे बाल्टी में पानी भरा हो, उसी माप का डाल दो, पेन डाल दो, सारे आर्गन डाल दो, किडनी लीवर सभी बाल्टी में पड़ा हुआ है, ये ओपन सिस्टम हो गया, बस में कुछ। देखो दीज फीचर आर यूज एज ए बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिक्शन। तो कहने मतलब ये हो कि अरेंजमेंट ऑफ सेल हो गया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, नेचर ऑफ सिलोम हो गया, ठीक है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव का यहाँ पे, ठीक है, और साथ साथ बताया गया यहाँ पे सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया यानी कि हो गया हमारा 5, और कौन हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया यानी कि 6। ठीक, तो ये कह रहे हैं इसी के बेस पे पूरे जो एनिमल्स है उनको क्लासिफाई यहाँ पे किया गया है। ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ देखो
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो अब यहां पे हम लोग बात करें, यहां पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखो मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कि एनिमल बना किस चीज का है, एनिमल बना किस चीज का। देखो यहां पे ये हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बताया गया यहां देखो, दो आर मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर, कह रहे कि एनिमेलिया के जितने भी मेंबर होते हैं कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होता है, और यूनिसेलुलर होगा तो कहां रख देंगे, यूनिसेलुलर कहां रख देंगे, प्रोटिस्टा में। एनिमेलिया क्या है, किंगडम, प्रोटिस्टा क्या है, किंगडम, मोनेरा क्या है, प्लांटी क्या है, फंजाई क्या है, चार किंगडम यूकैरियोट, एक किंगडम प्रोकैरियोट, कौन सा है, मोनेरा। यहां देखो कह रहे कि ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, फॉर एग्जांपल स्पॉन्ज की बात कर रहे हैं, किसकी, स्पॉन्ज जेम्यूल कहां पाता है, कहां होता है, स्पॉन्ज में पाया जाता है। ये सेक्सुअल पार्ट था कि वेजिटेटिव है, सेक्सुअल होता है, वेजिटेटिव नहीं है भाई। देखो स्पॉन्ज द सेल आर अरेंज एज ए लूज सेल अग्रीगेट, लूज सेल अग्रीगेट होते हैं मतलब इसमें सिर्फ सेल होते हैं, सेल के बहुत सारे ग्रुप होते हैं, अग्रीगेट मतलब ग्रुप समूह, तो बहुत सारे सेल का ग्रुप होता है, बस मैं कुछ, लेकिन ये सेल मिलके टिश्यू नहीं बनाते हैं। बहुत सारे सेल जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू, ये कह रहे हैं टिश्यू नहीं बनाते हैं, लेकिन हाँ इस सेल का ग्रुप होता है, बहुत सारे सेल मिलकर ग्रुप बनाते हैं, और कह रहे हैं कि दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो अगर हम स्पंज की बात करें तो इसमें कैसा होगा, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या पा जाएगा, सेल मिलेगा, टिश्यू यहाँ पे नहीं मिलेगा। अलग बात है किसी एक सेल नहीं है, अगर एक सेल हो तो कहाँ भेज देते, प्रोटिस्टा में, यहाँ पे बहुत सारे सेल हैं, लेकिन सेल अभी मिलकर टिश्यू नहीं बनाए, सिर्फ सेल का समूह है, ग्रुप है। देखो सम डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर डिवाइड किया, एक्टिविटीज अकर्स अमंग द सेल, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब समझते हो, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है सारे सेल का काम बटा होता है, जैसे जो काम लीवर का होता है किडनी नहीं करता, जो काम हार्ट का होता है लीवर नहीं करता, यानी सारे ऑर्गन काम यहाँ पे बढ़ जाता है, बस है कुछ, तो वैसे यहाँ बताया गया यहाँ पे डिवीजन ऑफ, इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा, बस है कुछ, तो डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज अकर्स एमंग द सेल। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने बताया कि जैसे आप पढ़ेंगे बहुत सारे सेल होते हैं उनका काम अलग होता है। ठीक है, अब कह रहे कि इन सिलेंट्रेट की बात करें, सिलेंट्रेट द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, इसमें सेल का अरेंजमेंट काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हियर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज टिश्यू। ठीक है, हेंस इट इज कॉल्ड टिश्यू लेवल। अब हम पोरीफेरा से आगे चलेंगे, पोरीफेरा एक फाइलम का नाम है, उसके आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा सिलेंट्रेटा, क्या बोलेंगे, और सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या है, निडेरिया, क्या बोलेंगे, निडेरिया। अब क्या होगा, सारे सेल यहाँ पे क्या था, स्पंज में सेल के ग्रुप थे बहुत सारे, लेकिन टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, पहली बार यहाँ टिश्यू का फॉर्मेशन होने जा रहा है, कहाँ पे, सिलेंट्रेटा में, कहाँ पे, सिलेंट्रेटा में, और साथ साथ टिनोफोरा में भी होता है, दो फाइला में सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, जहाँ पे कैसा होगा, टिश्यू लेवल, कैसा होगा, टिश्यू लेवल। ठीक, यहाँ देखो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये देखो दिया हुआ है, ठीक, कह रहे कि स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय द मेंबर ऑफ प्लैटी हेलमेंथिस एंड अदर हायर, तो प्लैटी हेलमेंथिस से आगे चलोगे तो ऑर्गन लेवल मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑर्गन लेवल। ठीक है, तो कहने मतलब यहाँ पे ये हो गया कि सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा तक कैसा है, टिश्यू लेवल, इसके बाद आगे आएगा तो प्लैटी हेलमेंथिस, और प्लैटी हेलमेंथिस से ऑर्गन लेवल स्टार्ट हो जाता है, फिर आगे तक चलता जाएगा। ठीक है, हायर प्लेट फाइला वेयर टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन इज स्पेशलाइज फॉर ए पार्टिकुलर फंक्शन इन एनिमल लाइक एनिडा आर्थोपोडा मोलस्का, तो देखो एनिडा आर्थोपोडा एंड मोलस्का की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, अब इसके बारे में कुछ यहाँ पे जानकारी दी गई है, देखो यहाँ पे देखो जैसे, तो कहने मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैसे कैसे चीजें दी गई है, देखो यहाँ पे देखो, तो हमने क्या पढ़ा, देखो अगर हम बात करें सेलुलर लेवल, ये यहाँ पे क्या देखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या देखो यहाँ पे,
पहला क्या बताया हमने, सेलुलर लेवल। कौन सा लेवल है देखो, सेलुलर लेवल। देखो सेलुलर लेवल अग्रेशन डाइट पूछेगा आपसे, कहाँ मिलेगा तो क्या बताओगे, पूरी फेरा में। कहाँ पे, पूरी फेरा में। उसमें पूरी फेरा में बहुत सारे अभी एग्जांपल मिलेंगे, स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला पास में। और दूसरा देखो यहाँ पे, दूसरा हमारे पास टिश्यू लेवल हो जाएगा। टिश्यू लेवल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये स्पंज हो, खैर टिश्यू लेवल इसके बाद आएगा, ठीक है, टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल कहाँ कहाँ मिलेगा देखो, टिश्यू लेवल आपको मिलेगा सिलेंटेटा, हाँ सिलेंटेटा और टिनोफेरा। और इसी टिनोफेरा में आपका आता है सी वॉलनट, ये बोलते हैं कॉम जेली, क्या बोलते हैं सी वॉलनट या कॉम जेली, एग्जांपल भरे हुए हैं ढेर सारे। ठीक, ये क्या हो गया टिश्यू लेवल, कोई दिक्कत तो नहीं है काहे में, टिनोफेरा। हाँ क्या कह रहे हो, बिल्कुल, क्या देखो टिश्यू लेवल किसमें है, देखो सिलेंटेटा, दूसरा कौन सा बताया था हमने, टिनोफेरा। पहले पी था, ठीक है, अब इसको सी कर दिया होगा सर। सिलेंटेटा और टिनोफेरा है ना, बाहर सी लिखा है क्या, चिंत कहीं पी लिखा है कहीं सी लिखा है, मेरे में पी लिखा हुआ, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखो टिनोफेरा, तीसरा देखो टिश्यू लेवल हो गया, उसके बाद क्या देखो ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल में क्या क्या आएगा बताओ, बिल्कुल ये जाएगा प्लेटी हेलमेंथिस से आगे तक, ठीक है। रॉबिन रॉय, क्या नहीं सुनवा रहा है, रॉबिन रॉय, क्विज रॉबिन रॉय, आप में से तो कोई नहीं है, क्या नहीं सुनवा रहा रॉबिन रॉय, ये आर्गन लेवल हो गया, उसके बाद देखो, ठीक है आर्गन हो गया। अच्छा इसमें देखो ये ऑर्गन लेवल प्लेटी हेलमेंथी तक दिया हुआ है ना, ऑर्गन लेवल की बात करेंगे तो क्या क्या है इसमें, ये प्लेटी हेलमेंथीज है ना, ठीक है। आगे देखो यहां पे इसके बाद जो दिया हुआ है ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है ऑर्गन सिस्टम लेवल, इसलिए इसमें एनिमल भी बहुत सारे ना, ऑर्गन सिस्टम लेवल।
ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। और ये देखो प्लेटेलमेंथिस टू कॉर्डेट और ऑर्गन सिस्टम लेवल, बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलेगा। और ये कहाँ मिलेगा देखो, एस्केलमेंथिस से ऑनवर्ड है, एस्केलमेंथिस ठीक है, एस्केलमेंथिस टू कॉर्डेटर ये ना देख लो, क्या देखो, दैट इज ऑर्गन लेवल एग्जिबिटेड बाय मेंबर ऑफ प्लेटेलमेंथिस एंड अदर हायर प्लाइलावर टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन एंड ईच स्पेशलाइज फॉर ए पार्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। ये सिर्फ क्या है, ऑर्गन लेवल एग्जिबिटेड बाय मेंबर्स प्लेटेलमेंथिस एंड अदर प्लाइला, यहां पे बताया गया है, उसके कुछ नाम नहीं दिखे, ऑर्गन लेवल ना, यहां पे प्लेटेलमेंथिस बताया गया टू कॉर्डेट, और ऑर्गन सिस्टम लेवल एस्केलमेंथिस से आगे तक पूरा मिल जाएगा, है ना। बाहर कुछ नहीं आता बच्चे, सब अंदर ही का आता है, ठीक है, हो गया। देखो फिर से देखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म में सेलुलर लेवल पॉलीफेरा, टिश्यू लेवल सिलेंटेटर टिनोफोरा, ऑर्गन लेवल प्लेटेलमेंथिस टू कॉर्डेट, कुछ सारे एनिमल भी हैं, कुछ ऐसे भी है। ऑर्गन सिस्टम लेवल कहाँ मिलेंगे, एस्केलमेंथिस, जैसे आपके बॉडी में लीवर होता है, लीवर क्या है, एक ऑर्गन है, नहीं है, किडनी क्या है, एक ऑर्गन है, लेकिन बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम में, तो आप कहेंगे आपके बॉडी में क्या है, ऑर्गन है कि ऑर्गन सिस्टम है, दोनों है कि नहीं, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, देखो देखो हो गया। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पे, देखो यहाँ देखो, एलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकोनोडर्मेटा एंड कॉरिटा ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म अ फंक्शनल सिस्टम, ई सिस्टम कंसर्न विद द स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, दिस पैटर्न इज कॉल्ड द ऑर्गन सिस्टम लेवल। देखो कहाँ से स्टार्ट किया है, देखो इन एनिमल लाइक एलिडा आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, यहाँ देखो ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। देखो यहाँ देखो, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखो एनिमल लाइक, यहाँ देखो आर्थ्रोपोडा एलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकोनोडर्मेटा एंड कॉरिटा, ये दिख रहा है ठीक है, ये ऐसा कलर है ना, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म द फंक्शनल सिस्टम, ईच सिस्टम कंसर्न विद स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड दिस पैटर्न नोन एज ऑर्गन सिस्टम लेवल। यहां से कहां दिया, देखो एलिडा आर्थ्रोपोडा मतलब क्या है, एस्केलमेंथिस के आगे ही तो है, एस्केलमेंथिस के आगे ठीक है, तो एस्केलमेंथिस आगे चलेंगे तो एलिडा आर्थ्रोपोडा और मोलस्का इसमें हो जाएगा ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, फॉर एग्जाम्पल डाइ सिस्टम इन प्लेटेलमेंथिस हैज ओनली सिंगल ओपनिंग। अदर यहां देख लो, अब दूसरा हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, दो टाइप का होता है देखो, एक होता है कंप्लीट और एक होता है इनकम्प्लीट ठीक है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट मतलब इसमें क्या होता है, सिंगल ओपनिंग होता है, क्या होता है, हैव सिंगल ओपनिंग, ठीक है। एग्जांपल कौन हो जाएगा बताओ, है प्लेटी हेलमेंथिस, क्या है ठीक है, क्या जाएगा प्लेटी हेलमेंथिस, क्या हुआ कोई दिक्कत है, कौन सा अमीबा, क्या नहीं समझ रहा है, ये कंप्लीट इनकम्प्लीट, हाँ
ये समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई कुछ आग जाम ऐसे होते जिसमें सिंगल ओपनिंग होती है, जैसे माउथ और एनस दो होते हैं ना, जो हायर एनिमल को माउथ एनस दोनों होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ माउथ हो या सिर्फ एनस हो तो बोलते हैं सिंगल ओपनिंग। समझ आया कुछ? ये तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट, जो कहां पाया जाता है प्लेटियल मेंथीज में पास में, और कंप्लीट में देखो जरा यहाँ पे कंप्लीट में कहेंगे प्लेटियल मेंथीज के आगे से, ठीक है। तो स्केल मेंथीज क्या हो, इसमें क्या होता है दो ओपनिंग होते हैं, कितने होते हैं दो ओपनिंग होता है, हैव टू ओपनिंग, ठीक है। कौन कौन से देखो, दो ओपनिंग होगा, एग्जांपल क्या होता है देखो यहाँ पे, ठीक है। प्लेटियल मेंथीज से आगे बढ़ेंगे क्या मिलेगा, स्केल मेंथीज, कहां तक ऑनवर्ड टू कॉर्डेटा, ठीक है समझ गए। तो कंप्लीट में क्या होगा, दो ओपनिंग होगा, और इनकम्प्लीट कितने होंगे, सिंगल ओपनिंग, कितना होगा सिंगल ओपनिंग, जो माउथ और एनएस दोनों काम करेगा। भाई उनके पास सिस्टम ही नहीं होता है। आप देखते हो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ पूरा जो है स्टडी रूम अलग होता है, खाना बनाने का रूम अलग होता है, किचन अलग होता है, टॉयलेट अलग होता है, सब अलग होता है। और कुछ लोग ज्यादा देखो तो एक ही कमरा उसमें सब, किचन बाथरूम स्टडी रूम सब उसी में होता है ना, वैसे ही कह रहे हैं। तो डिपेंड करता है कैसा उनका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। देखो तो डाइजेस्टिव सिस्टम कितने टाइप के, दो टाइप के, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट से मात्र देखिए कौन सा है, प्लेटियल मेंथीज, ठीक है, इसे पढ़ेंगे टीनिया सोलियम पास में। और कोई दिक्कत मैं चले आगे, कुछ ना कुछ अल्टरेशन करते रहते नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं नीट में इसी से आता है, बार बार ये तो कह रहे हैं यहाँ पे, अभी पेपर करवा देंगे आपको, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। बस लोकलाइजेशन कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता है, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ठीक है। अभी पेपर भी करवा देंगे, कौन से पेज से कौन सा क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलो हो गया, हो गया, आगे बढ़े सगुन। ये जो जगह खाली ना ऊपर, वहीं सब लिख लो फटाफट, जल्दी से फटाक से। हो गया, देखो आगे, देखो इसको हटाएं, अब आ जाओ आगे। ये क्या दिख रहा है आपको, काकरोच है ये, हाँ। अरे बच्चे बच्चे देखो इधर, इसको जहां प्रॉब्लम लगा पूछ, देखो यहाँ आप, देखो यहाँ पे देखो क्या है, हाँ हाइड्रा, ये देखो। अब कह रहे हैं कि टू फॉर्म तो हो गया ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटियल मेंथीज हैज ओनली वन सिंगल ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग होता है, तो क्या बोलेंगे इसको, इनकम्प्लीट, जो माउथ और एनस दोनों काम करेगा, टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व बोथ, क्या माउथ एंड एनस दोनों काम एक ही से काम करवा लें, तो क्या बोलेंगे इसको, इनकम्प्लीट, एंड हेंस इट इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट। एक कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम हैज टू ओपनिंग माउथ और एनस, इसे माउथ भी अलग होता है एनस भी अलग होता है। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम आर मे बी आप टू टाइप, ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप का होता है, एक को बोलेंगे हम लोग कौन सा, ओपन टाइप, ठीक है, इन विच ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यू, सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट, क्या मतलब समझ आया, इसका मतलब ये हो गया, जैसे देखो हम यहां बात कर रहे हैं ओपन टाइप की, ठीक है, सॉरी, जैसे हाँ देख लो पहले ये समझ में आया ओपन टाइप मतलब क्या है, जैसे इसका मतलब ये होगा जैसे मैंने बताया ना कि आपको क्या करना है, ब्लड को पहुंचाना है, तो दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। ब्लड का मेन काम क्या होता है बताओ, ब्लड का मेन काम होता है कि हमारा ऑक्सीजन न्यूट्रिशन इसको पूरे बॉडी पहुंचाना होता है। अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो जहां पर पहुंचाना उसको उसी में डाल दो, या दूसरी तरीका यह है कि पाइप या किसी माध्यम से उसको वहां से ट्रांसपोर्ट करो, दो तरीके होते हैं, उसी के बेस पे यहाँ पे नाम रखा गया ओपन टाइप और क्लोज टाइप। क्लोज टाइप जो क्या बताया गया है,
इन विच ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेजल, इसमें आर्टरी होता है, वेरिंग डायमीटर आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज, जबकि ओपन टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता है, ओपन टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे यहां देखो ये हमने बना दिया बिल्कुल ऐसा ही होता है, जैसे ये कोई कंटेनर है ऐसे समझ लो, इसमें भरा हुआ है ब्लड, भरा हुआ देखो, और इसी में हमने क्या डाल दिया मान लो, सपोज एग्जांपल के लिए ये लीवर डाल दिए, किडनी डाल दिया, यहाँ पे सब डाल दिया इसमें, समझ गए। अब मान लो इस लीवर को या किडनी को अगर ऑक्सीजन कुछ लेना होगा तो इसे ले लेगा, नहीं ऑक्सीजन लेना होगा तो यहीं से लेगा, और कुछ किटी मटिया निकालना होगा तो यहीं ले लेगा। तो सारे ऑर्गन बिल्कुल वैसे जैसे कह रहे, इसमें लिखा नाम लिखा हुआ बाथ इन द ब्लड, मतलब वो वहां पे खून में नहा रहे होते हैं, पास में कुछ इसे बिल्कुल आप पानी में डूब जाइए और पानी से अगर आपको प्यास लगा तो उसी पानी के अंदर पानी पी लीजिए, ठीक है, और वोमिटिंग करना तो उसे वोमिटिंग कर दीजिए, वो सारी चीज इसमें है, पास में कुछ। तो कहने मतलब ये कि ये सारे ऑर्गन जो होते हैं ये ओपन टब जैसा होता है, टब में ब्लड भरा हो इसी में सारे ऑर्गन को डाल दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस में भाई ऑर्गन को अगर न्यूट्रिशन लेना होगा तो इसी ब्लड से ले लेगा, और स्किटी मटेरियल निकालना होगा तो इसे निकाल देगा ब्लड में, बस में एक तरीका तो ये होगा, इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्या बोलेंगे? दूसरा तरीका ये होता है, जैसे मान लो सेम चीज है ये, और मान लो लीवर यहाँ पे, ये और किडनी मान लो यहाँ पे है, ठीक है, ये दिख रहा है, यहाँ देखो ये हमारा क्या है, जहां पे ब्लड रहता है कंटेनर, क्या बोलते हैं इसको, हार्ट, ठीक है, हार्ट, यहां से हार्ट से लीवर में भेजेंगे, किडनी में भेजेंगे, अदर जो ऑर्गन होगा वहां भेजेंगे, इसके माध्यम से आर्टरीज या वेन के माध्यम से, देखो ऐसे होती है ट्यूब वेजल कैपिलरीज, तो हर ऑर्गन की सप्लाई यहां पे की जाती है, क्योंकि ये किसी रास्ते से होके जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज टाइप। क्या बोलेंगे? क्लोज टाइप। बस मैं कुछ अब सवाल है कि ओपन टाइप का एग्जांपल है, यही मैं लिखवा देता हूं, जैसे कि एनेलिडा, सॉरी जैसे कि आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकार्डेटा, तीन ऑर्गन है जिसमें ओपन टाइप होता है। ओपन टाइप में आया, ठीक है, ओपन टाइप में आया, ठीक है, क्लोज टाइप में आया। अब इसके एग्जांपल क्या हो गया, क्या कह रहे हो, बिल्कुल आर्थ्रोपोडा है ना, आर्थ्रोपोडा पूरा ओपन टाइप, हेमिकार्डेटा पूरा ओपन टाइप, मोलस्का पूरा ओपन टाइप, ठीक है। तो हम यहीं पे आपको एग्जांपल लिखवा देते हैं, देखो यहाँ पे ये ओपन क्लोज में आया, ठीक है, देखो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, जैसे यहां मैं करवा देता हूँ, देखो तो यहां पे हो गया ओपन टाइप, यहां पे हो गया क्लोज टाइप, दिख रहा है, दिखना पड़ता है, दिख भी रख नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है। देखो तो यहां पे कैसा है, देखो ओपन टाइप, यहां कैसा देखो क्लोज टाइप, ओपन टाइप में एग्जांपल देखो कौन कौन सा, देखो आर्थ्रोपोडा, दूसरा कौन सा एग्जांपल देखो मोलस्का, और कौन सा है देखो हेमिकार्डेटा, क्या है हेमिकार्डेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और हेमिकार्डेटा, याद रहेगा। तो ओपन टाइप याद करना सबसे अहम है, मतलब जरूरी है, क्या है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और हेमिकार्डेटा, ठीक है, इसको अहम से याद करना, अहम, अहम मतलब मैं, है ना, संस्कृत वर्ड है अहम, आर्थ्रोपोडा, हेमिकार्डेटा और मोलस्का, कैसा होगा इसमें ओपन टाइप, ठीक है, कैसा होगा ओपन टाइप, और एनेलिडा और कार्डेटा में कैसा होगा, एग्जाम्पल में नोट कर लो इसमें एनेलिडा एंड कार्डेटा कैसा हो जाएगा, क्लोज टाइप, कैसा जाएगा क्लोज टाइप, ओपन टाइप आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकार्डेटा, एनेलिडा और कार्डेटा में क्लोज टाइप, याद पूछा था।
इसमें एलिडा सबसे इंपॉर्टेंट है, मक्खी मच्छर काकरोच सब कैसे होंगे, ओपन टाइप हो जाएगा। पास में कुछ कीड़े मकोड़े जितने होंगे सब में ओपन टाइप हो जाएगा। क्लियर? हो गया? नोट को जल्दी से नोट करो, जल्दी से फटाफट, सबको हो गया? है? क्या हो गया? पता नहीं चलेगा। हो गया? आगे बढ़े, फिर से देखो, ओपन टाइप कहां कहां, एलिडा और सॉरी आर्थ्रोपोडा मोलस्का और सेमिकेरेटा, और एलिडा और कार्टम कैसा हो जाएगा, क्लोज टाइप का। ठीक, ये अभी आगे आएगा तो पढ़ेंगे इंडिविजुअल करके। ठीक है, तो स्टार्ट कर, आगे देखते हम लोग। अब आता है हमारे पास है सिमेट्री। सिमेट्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमेट्री आप पढ़ेंगे प्लांट में भी और एनिमल में भी। ठीक है, तो आप दोनों जगह पढ़ेंगे, प्लांट में भी और एनिमल में भी। देखो जरा, अच्छा ये क्या है, क्या है? क्रैब है, केकड़ा। ठीक है, क्रैब। और इसमें क्या दिखाया गया, देखो बायलेटरल सिमेट्री। इधर देखो, इधर एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ फर्दर सिमेट्री। किसकी वजह से सिमेट्री? यहां देखो, स्पंज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। स्पंज कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब किसी भी तरीके से इसको दो इक्वल पार्ट में ना काट पाए, इसको बोलेंगे एसिमेट्री, कोई सिमेट्री नहीं। जैसे कनेर, कनेर का फूल देखा है, कह रहा पीला होता है, उसको क्या दो इक्वल पार्ट में काट पाओगे? नहीं काट पाओगे। घंटी जैसे जो होता है ना येलो कलर का, उसको दो इक्वल पार्ट में नहीं काट सकते। तो कैसा होगा वो, इसको दो इक्वल पार्ट में ना काट पाए, दैट इज ए। यहाँ पे जो सिमेट्री का है वो मैंने प्लांट बताया, यहाँ पे जो है वो स्पंज में, किसमें? यहाँ देखो, एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू टू इक्वल हाफ। ठीक है, बस मैं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड ना कर पाए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्री। क्या बोलेंगे? और इसका एग्जांपल क्या होगा बच्चे, स्पंज। स्पंज में सारे आ जाएंगे, पोरीफेरा वाले, ये पोरीफेरा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, स्पंज या पोरीफेरा पूरा ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, किसी भी, यही हम आगे पढ़ाएंगे आपको, एसिमेट्री कहां पाया था प्लांट में, तो बताएंगे कैना, इसको बोलते हैं कनेर। दूसरा देखो, When any plane passing through the central axis of their body divide the organism into two identical half, it is called radial symmetry. अगर इसको दो इक्वल पार्ट पे काट दे तो क्या बोलेंगे इसको, रेडियल सिमेट्री। क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, यहाँ देखो, जैसे मान लो ये कोई नींबू है, देखो ये, हाँ नींबू है। ठीक है, यहाँ देखो कोई से है, इसको आप दो इक्वल पार्ट में काट सकते हो, तो देखो काटा, यहाँ से काट दो इक्वल पार्ट, यहाँ से काट सकते हो, ठीक, ऐसे काट सकते हो, ऐसे काट सकते हो, कितने कितने पार्ट में काट, बहुत सारे हैं देखो, है ना, दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री। तो किसी भी तरीके से आप बहुत सारे इसको दो इक्वल पार्ट में काट देंगे, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, रेडियल सिमेट्री। तो वही कह रहे हैं कि एनी प्लेन, कोई प्लेन हो, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनाइजेशन इनटू टू आइडेंटिकल हाफ, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, और क्या क्या एग्जांपल दिया देखो, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकानोडर्मेटा। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकानोडर्मेटा कौन सी सिमेट्री होगी बताओ, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, कौन सी होगी, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, देखो आगे देखो, Have this kind of body plant, यहाँ देखो, दूसरी बात कर रहे हैं इसे एनिमल की, एनिडा की बात करें, आर्थोपोडा की बात करें, where the body can be divided into identical left and right half in only one plane, ये important है, ये भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ये भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन कैसे, देखो
इसमें दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा लेकिन एक ही बार होगा, कितने बार? यहाँ क्या बताया, बहुत सारे होते हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करके बहुत सारे बार हो सकते हैं, यहाँ पे एक ही बार होगा। जैसे हम लोग का बॉडी, ये दिखाया सबसे अच्छा, ये दिखाया गया आपको, इसको दो इक्वल पार्ट में ऐसे ही काट सकते हो और कोई दूसरा तरीका नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो ह्यूमन बॉडी की बात कर लेते हैं, जैसे देखो ये इसको अगर आपको दो इक्वल पार्ट में काटना हो ऐसे काटोगे, देखो बीच से काटेंगे, देखो है ना, ये काटेंगे, देखो ये काट दो है ना, इसको बस यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं जिसको आप दो इक्वल पार्ट में काट सको। इधर क्या मिलेगा, एक कान, एक आंख, आधा मुंह, एक लेफ्ट साइड पूरा, ठीक है, और उसके इससे ऐसे जाएगा बस है कुछ, ऐसे काट दोगे है ना, है क्या हुआ है, हाँ आधा आधा आएगा देखो, ठीक है। इसको क्या बोलिएगा आप, बायलिटरल, क्या बोलेंगे, बायलिटरल। तो किसी भी आगजम को अगर आप दो इक्वल पार्ट में ही काट सकें बस एक बार, उसको बोलेंगे हम लोग बायलिटरल, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ ओनली वन प्लेन एग्जिबिट बायलिटरल सिमेट्री, और बायलिटरल कहाँ कहाँ मिलेगा, देखो एनलिडा में और आर्थोपोडा में, कहाँ मिलेगा, लिडा और आर्थोपोडा, ठीक है। लिडा और आर्थोपोडा क्या होगा, बायलिटरल, मार्क कर लीजिए इसको। सिलेंटेटम कौन होगा, सिलेंटेटम में सॉरी रेडियल सिमेट्री, सिलेंटेटा, टेनोफोर और काउंटरमेटा, ठीक है। और यहाँ जो बताया गया कैसा, बायलिटरल सिमेट्री, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक बार समराइज करके पूरा लिखवा देता हूँ अलग अलग करके, ये इसमें अलग अलग है ना, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, देखो यहाँ पे बायलिटर में एलिडा और आर्थोपोडा, यहाँ ईटीसी लिखा है, क्या मतलब है, सिर्फ एलिडा और आर्थोपोडा में नहीं है, इसके बाद सारे एनिमल्स में होगा। देखो मैंने क्या बताया, तीन आगजम बताया, सिलेंडेटा, टेनोफोरा और इकोनोडर्मेटा में, इसमें क्या होगा, रेडियल सिमेट्री। इसके अलावा जो बचेगा, क्या क्या बचा, प्लेटेलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एलिडा, आर्थोपोडा, मोलस्का, कार्डेटा, में क्या हो जाएगा, बायलेटरल सिमेट्री, लेटर नहीं, लेटर तो हो गया इसमें, रेडियल में हो जाएगा, ठीक है। मैं लिखवा दूं क्या इसको, समझ गए ना। देखो अगर आपसे पूछे एसिमेट्री किसमें, तो एक ही है, कौन सा, स्पॉन्ज में। आपसे पूछे रेडियल सिमेट्री तो कहां कहां मिलेगा, देखो सिलेंटेटा, टेनोफोरा और इकोनोडर्मेटा में, ठीक है। और आपसे पूछे यहां पे बायलेटरल सिमेट्री कहां मिलेगा, तो क्या बताया हमने, प्लेटेलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनलिडा, आर्थोपोडा, मोलस्का और कहाँ पे, कॉर्डेटा, क्या हो जाएगा, कॉर्डेटा, इकोनोडर्मेटा में नहीं, कॉर्डेटा में, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर कि नहीं क्लियर है, बाकी जब पूरा पढ़ेंगे तो उसमें एक साथ हम यहाँ पे करवा देंगे, वैसे मैं सोचा इसको करवाई दो सिमेट्री वाले को, है ना। अच्छा एक चीज देखो, देखो बायलेटरल ये क्रैब है, ये फोटो में दिखाया गया है और कहीं आपको मिलेगा नहीं, देखो ये क्रैब है, इसमें कौन सी सिमेट्री है, बायलेटरल, इसको ध्यान रखिएगा फिगर को, और ये कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ फोटो में दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फोटो में। डायरेक्ट पूछ सकता है फोटो क्रैब में कौन सा सिमेट्री मिलेगा, तो बायलेटरल सिमेट्री, हालांकि आर्थोपोडा से भी पता चल जाएगा, लेकिन आप क्रैब में ध्यान रखिए बायलेटरल सिमेट्री। इसके ऊपर हाइड्रा दिया हुआ, देखो हाइड्रा को कितने पार्ट काट सकते हो, देखो ऐसे ऐसे बहुत सारे, रेडियल सिमेट्री है ना, कौन सा हो जाएगा, रेडियल सिमेट्री, क्योंकि हाइड्रा बिलोंग करता है सिलेंटेटा से। हाँ बोलो, ये लोला कौन सा, हाँ हाइड्रा है और क्या, हाइड्रा है, ठीक है। तो हाइड्रा में कौन सा, रेडियल सिमेट्री, और ये क्रैब वाला है ये आपको नहीं मिलेगा एग्जांपल में, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, इसे भी यहाँ पे फोटो में दिया हुआ कहीं मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। चलो देखो तो ए सिमेट्री कहाँ मिलेगा बताओ,
स्पॉन्ज में मिलेगा। और रेडियल सिमेट्री कहाँ का देखो, सिलेंडर टिनोपोरा और कार्डोर मैटर, ठीक है। और इसके बाद जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लेटेल मेंथिस बचा, एलिडा, आर्थोपोडा, उसमें कैसा हो जाएगा, बाइटर, क्लियर, बाइटर हो गया। और क्रैब में कैसा होगा, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है क्रैब वाला, ठीक है। चलो तो ये तुम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हमने बताया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बताया सेलुलर लेवल है ना किसमें होगा, टिश्यू लेवल किसमें होगा, ऑर्गन लेवल किसमें होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल किसमें होगा, ठीक है। फिर हमने बताया कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम के बेस पे कंप्लीट होगा कि इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट मतलब सिंगल ओपनिंग जो माउथ और एनस दोनों का काम करेगा, एग्जाम्पल था प्लेटेल मेंथिस, पास में इसके बाद जो बचेगा उसमें कैसे हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, माउथ अलग एनस अलग। इस पर हमने बताया था यहाँ पे सिमेट्री के बारे में, सिमेट्री में क्या बताया, सबसे पहले एसिमेट्री किसमें पाया जाएगा, स्पॉन्ज या पोरीफेरा, रेडियल सिमेट्री कहाँ का, सिलेंटेटा, टिनोपोरा और इकाउंटर मेटा। फिर हमने क्या बताया आपको, बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री कहाँ कहाँ जो बचा हुआ है, प्लेटेल मेंथिस, एस्केल मेंथिस, एलिडा, मोलस्का, कॉर्डेटर, ठीक है, सारी सिमेट्री आपकी हो गई। अब आते हैं इसके आगे, देखो टाइम कितना हो रहा है, है? हो गया क्लास थी क्या अभी, हाँ कितने बजे से बाहर खड़े बच्चे खड़े बाहर, ठीक है बस यहीं तक करते हैं, बाकी नेक्स्ट करा देंगे, ठीक है। ठीक है बाकी नेक्स्ट करा देंगे आप, पूछो पूछो पूछो, क्या करो पूछना है, गुनेट क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यार, सुनो संतोष जी बुला, गुनेट से टेस्टिस हो गया, ओरी हो गया, सारी चीजें, हाँ बोला संतोष जी बुला बुला सर, हाँ सर, मरीज कैसे है, स्टॉप एट द एंड, गिव मी नो नंबर।